हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अलिफ डायरी। आज हम हैं ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मस्कोका में, और ये जिस पार्क में मैं हूँ उसका नाम है गर्ल रोटरी लेक पार्क और गर्ल लेक रोटरी पार्क। इट्स एन अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस, और मस्कोका इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, मोस्ट ब्यूटीफुल पिकनिक प्लेस एंड मोस्ट अमेजिंगली ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ ओंटारियो। मैं अपने आप को ज़्यादा नहीं बताती हूँ, लेट मी फ्लिप द स्क्रीन एंड शो यू दिस प्लेस। तो ये देखिए, बेहद खूबसूरत व्यू, क्लीन बीच। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कितने कम लोग हैं यहाँ। गो फॉर अ स्विमिंग, एन्जॉय द लवली सैंड बीच, द सीनरी इज़ जो ड्रॉपिंग। देयर इज़ अ शेडेड पिकनिक एरिया, क्लीन वॉशरूम and no need for reservation, free parking is available. It's amazing. और ये देखिए, पार्क में चारों तरफ इस तरह बेंचेस लगी हुई है, तो आप रिलैक्स होकर बेंचेस पे बैठिए एंड यू एन्जॉय करिए। नाउ लेट मी टेक यू टू माई होम अगेन एंड शो यू माई लाइफ बिफोर 3 hours. आज पिकनिक पर ले जाने के लिए मैंने बनाया ये डिलीशियस क्रीमी चिकन पास्ता। इसकी डिटेल रेसिपी आप मेरे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं, और रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, तो जस्ट क्लिक इट एंड मेक इट। तो चलिए फिर से चलते हैं खूबसूरत रास्तों से होते हुए गर्ल लेक रोटरी पार्क में। सिर्फ पार्क ही नहीं बल्कि रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। आप ये फार्म देख सकते हैं, वहाँ पे हॉर्सेस देख सकते हैं, इट्स अमेजिंग। Today we came here with our friends who are like family to us and celebrated Father's Day by cutting mango rubbery cake. We also did a small potluck with variety of delicious food. My sincere apologies, I couldn't prepare a vlog for the cake recipe, but soon I will do it. So have a look at our Father's Day celebration. Those who know us personally can easily figure out who are the super dad. After lunch, we came to a beach area. The water was so amazing. We all enjoyed a lot in water, did boating. My kids met their friends after 1 year, especially my Murtuza. He enjoyed a lot in water. He enjoyed so much in sand. Zara, are you guys having fun? Yes. Okay. Yes. I'll be playing like this. शाम को यहाँ से वाइंड अप करके हम गए मस्कोका वॉर्फ, एक और ज़बरदस्त जगह एंड जस्ट 4 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर, और वहाँ हमने एंजॉय करी कवार्था आइसक्रीम। सो नाउ वी आर एट मस्कोका वॉर्फ। मस्कोका वॉर्फ इज़ इन ग्रेवनहॉर्स्ट एंड अ ग्रेट प्लेस टू रिलैक्स, स्ट्रॉल शॉप, डाइन। देयर इज़ अ स्पेक्टेकुलर ब्रॉड वॉक ओवर 2,000 feet फ्रॉम वन एंड टू अनदर। आई मस्ट से दिस प्लेस इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर यू। There are a lot of restaurants and you can enjoy waterfront dining. Lot of small shops, you can do some shopping as well. You can rent boat, sea-doo, motorboat. Relax, enjoy the beautiful sight, enjoy the sound of waterfront, enjoy sunset. That's what we did. And it's not very far from Toronto as well, 1.5 to 2 hours drive. But it is totally worth it, I must say. So with this, it came to an end of a very beautiful day. Hope you all have enjoyed with us. Murtuza, did you enjoy today? Yes. Say bye to everyone. Bye, Murtuza. इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ में। And yes, do not forget to like, comment and subscribe Alif's Diary.